बक्सर के केंद्रीय कारा में बंद कुख्यात बंदी संदीप यादव एवं खेसारी लाल यादव के बीच वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तथा कई समाचार चैनलों के माध्यम से उस वीडियो को प्रसारित भी किया गया है, जिसके बाद जेल प्रशासन व बक्सर प्रशासन की किरकिरी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में जेल प्रशासन के द्वारा कुख्यात संदीप यादव को केंद्रीय कारा में मौजूद उच्च सुरक्षा कवच यानी कि सेल में शिफ्ट कर दिया गया तथा मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। जेल प्रशासन की जांच पड़ताल में उसके पास कोई मोबाइल तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन मामले ने इस तरह तूल पकड़ा कि कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जिसमें पुलिस के ऊपर भी आरोप लगना शुरू हो गया, जिसके बाद आनन फानन में वरीय अधिकारियों के द्वारा मामले की जांच में तेजी लाई गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि कुख्यात अपराधी जो कि बक्सर के केंद्रीय कारा में तकरीबन 2015 से जेल में बंद है तथा उसके ऊपर दर्जनों मामले बक्सर जिले में एवं जिले के बाहर भी दर्ज हैं तथा वह बक्सर के केंद्रीय कारा के अलावा अन्य जगहों के जेल में भी शिफ्ट किया जा चुका है तथा उसने भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव से किस जेल से बात की है तथा उस वक्त वह कहां था और किस बात को लेकर उन लोगों के बीच में बातचीत हुई, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ था कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था वह बक्सर के केंद्रीय कारा का नहीं बल्कि किसी और जगह का था। ठीक उसी तरह यह वीडियो भी वायरल हुआ, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। जांच के क्रम में पुलिस के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो किस जेल से बना है तथा किस बात को लेकर कुख्यात अपराधी संदीप यादव एवं मशहूर भोजपुरी कलाकार एवं गायक खेसारी लाल यादव के बीच बातचीत हुई। जांच के क्रम में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुख्यात के पास मोबाइल कहां से और कैसे आया तथा उन्होंने कहा कि जेल से वीडियो कॉल किया। जेल में बंद होने के बाद से ही पुलिस कुख्यात संदीप यादव के हर गतिविधियों पर नजर रखी हुई है तथा उनके शागिर्द पर भी पुलिस के द्वारा पैनी नजर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि उसके ज्यादातर शागिर्द आज भी जेल में ही बंद हैं और जो भी कुख्यात के शागिर्द बाहर निकले हैं उनके ऊपर भी पुलिस के द्वारा हमेशा नजर रखी जाती है। फिलहाल पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के क्रम में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी कलाकार को भी इस संदर्भ में पुलिस को सूचित करना चाहिए था तथा जांच के पश्चात ही जिनके भी विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल जांच चल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसके जांच के लिए हम लोगों ने एसडीओ बक्सर और एसडीपीओ बक्सर को दिया है। उनकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जो है कि उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। जेल के अंदर लगातार जो जांच भी की जाती है सर, क्या इस तरह से मोबाइल्स वगैरह वहाँ हो सकते हैं क्या? देखिए, लगातार हम लोग छापेमारी करते आ रहे हैं। अभी तक जो है छापेमारी के दरमियान एक बार जो है कि एक मोबाइल हम लोगों को छापेमारी के दौरान प्राप्त हुआ है। जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार पूर्व में भी एक फ़ोटो वायरल किया गया था, जिसकी जाँच हम लोगों ने कराई थी। वो फोटोग्राफ जो है कि इस जेल का नहीं था, किसी अन्यत्र जेल से जो है कि वो फोटोग्राफ जो संबंधित अपराधकर्मी के द्वारा बातचीत किया गया था, जो उस समय स्क्रीनशॉट लिया गया था, उसकी गहनता से जांच कराई गई थी, तो यहाँ के इस जेल का नहीं था, किसी दूसरे जेल का था। संदीप यादव में क्राइम हिस्ट्री क्या रहा है? संदीप यादव जिले में उनके कुख्यात अपराधकर्मी हैं, वो लगातार 15 या 16 से लगातार जेल में हैं। उनके दुर्गे के द्वारा जो अपराध की घटनाएँ यहाँ पर कारित की गई थी 2020 के नवम्बर और दिसंबर में, उनमें से अधिकांश लोग जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में जेल में हैं और उन पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आगे का भी जो है कि हम लोग ट्रायल भी करा रहे हैं, सारे केसेस में आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है, उन पर हर तरीके से निगाहबानी हम लोग कर रहे हैं, निस्संदेह। लेकिन जिस तरह से एक कोई स्टार प्रचारक है और उनके द्वारा जो इनकमिंग कॉल, देखने से तो वीडियो लग रहा है कि इनकमिंग कॉल है, अभी ये जब कोई वीडियो कब का है, नहीं है, कितना पुराना है, ये सारी बिंदु पे जांच की जा रही है। और ये वीडियो जो है कि जेल के दरमियान का है या जेल के पहले का है या जेल का है तो किस जेल का है, सारी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सिमरी थाने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।